हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बैंकिंग सूत्रा चैनल। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर का और हमारे सारे व्यूअर्स का जो हमसे कनेक्ट हुए इतने दिनों में। हमारा सब्सक्राइबर बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, हमारे साथ इंट्रैक्शन उनका बढ़ा है, हमारे वीडियोस पे आप कमेंट करते हो, एक तरीके से मैं फीडबैक की तरह उन्हें लेता हूँ और उस पर वर्क करता हूँ। हाँ, काफ़ी दिनों से, करीब 1 मंथ से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, लेकिन अब मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आज से हर हफ्ते मैं आपको 2 से 3 वीडियोस बैंकिंग कंसेप्ट पे मिलेंगे हमारे चैनल से। तो हमारे चैनल से ज़रूर कनेक्ट होइए। और आज के जो ये लेक्चर है टाइप्स ऑफ बैंकिंग, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि जनरली आपको डिफरेंट एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और मेरा थोड़ा सा ब्रेक लेने का एक ये भी रीज़न था कि मैंने इतने दिनों में जो भी IBPS के एग्ज़ाम हैं, RBI का एग्ज़ाम है, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, 2 से 3 दिनों में उनका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो थोड़ा स्टडी करा, जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जो बैंकिंग के कोर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा स्टडी करा है, और उसके बेस्ड पे अपना कोर्स फिर मैंने डिज़ाइन करा है। जो मैं वीडियोज़ लाऊंगा उसके बेस पे लाऊंगा कि जो भी बैंकिंग के वीडियोस लाऊं आपके लिए फ्रूटफुल रहें आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, जरूर कमेंट करिए हमारे वीडियो पे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। गाइस, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, उनसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम अपने नए वीडियोज डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपके ईमेल आईडी पे। और उसके पास देखिएगा, हमारे चैनल के पास एक बेल है, उसको आप क्लिक करना ना भूलें, बिकॉज अगर आप बेल को क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफाई नहीं होगा। और ये आप जैसे कि देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पे पेज भी है बैंकिंग सूत्र नाम का, उस पर भी हम अपने वीडियोस के अपडेट्स और डिफरेंट अपडेट्स बैंकिंग से रिलेटेड हम उस पर नोटिफाई करते रहते हैं, तो उस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। पहला हमारा जो बैंकिंग है वो है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? तो मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्लस कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग क्या करता है? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, यहाँ पे क्लाइंट्स कस्टमर हो सकते हैं, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, मैनेजरियल एंड लीगल मैटर्स में। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग में, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स में और लीगल मैटर्स में। अब बात आती है कि कंसल्टेंसी बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या होती है? कंसल्टेंसी होती है अगर आप किसी को एडवाइस देते हो, ठीक है, सजेशन देते हो, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? इन एक्सचेंज ऑफ फी। कंसल्टेंसी इज व्हाट मींस टू प्रोवाइड एडवाइस, गाइडेंस एंड सर्विस फॉर ए फी। ठीक है, अब मर्चेंट बैंकिंग के काम क्या क्या हैं, तो मैं आपको ओवरऑल जो वर्क है इन दोनों का मिला के, बैंकिंग और कंसल्टेंसी का मिला के, वो क्या है? ये बेसिकली प्रोवाइड क्या करता है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी हेल्प करता है, हेल्प टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें ये अपनी एडवाइस देगा, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना सजेशन देगा, और जो भी फाइनेंशियल हेल्प होगी वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है मर्चेंट बैंक। ठीक है, हेल्प्स टू रेज कैपिटल, कैपिटल रेज करने में, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है? पूंजी, मींस कैपिटल। जब तक उसका कैपिटल नहीं बनेगा तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये मर्चेंट बैंक आपकी हेल्प करता है कैपिटल रेस करने में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्सपैंड, कोई बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है, उसमें भी ये हेल्प करता है। रिवाइव बिजनेस सिक यूनिट, सिक यूनिट का मतलब है ऐसे बिजनेस जो कि एक तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं, जो कि प्रॉफिट लॉस पे चलता है पूरा बिजनेस, जो कि
काफी दिनों से, काफी सालों से, मान लीजिए 1 से 2 साल, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स से लॉस में है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सिक यूनिट्स। उन सिक यूनिट्स को रिवाइव करने में, उनको फिर से रिजुविनेट करने के लिए ये हेल्प करता है कि वो फिर से प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये प्रोवाइड करता है, ये जो भी कंपनीज हैं उनको रजिस्टर करवाने में बाय एंड सेल शेयर्स एट स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में उनको रजिस्टर करता है। अब स्टॉक एक्सचेंज में कौन से शेयर वो खरीदें, कौन से बाय करें, कौन से सेल करें, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तरीके से काफी चीजें ये प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंकिंग अपने क्लाइंट को, और इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंजीनियर फॉर ए बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है, फाइनेंशियल इंजीनियर होता है फॉर ए बिजनेस। तो दिस इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकिंग। नेक्स्ट आते हैं मर्चेंट बैंकिंग के कुछ एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो ग्लोबल लेवल पे ये हैं, शायद आपने कुछ नाम सुने भी हों, गोल्डमैन सैच, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, सिटी ग्रुप, ये ग्लोबल लेवल के मर्चेंट बैंक हैं, और इंडिया में ये लिस्ट है जो कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो ये जितनी भी आप एक्टिविटीज देख रहे हो ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मैनेजमेंट बायआउट्स, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस और बहुत सी चीजें जैसे कि आपको दिख रही है, मर्जर एंड एक्विजिशंस, ठीक है। अब बात आती है, ये तो है सर्विसेज, बेसिक कंसेप्ट क्या है इन्वेस्टमेंट बैंक का, तो बेसिक कंसेप्ट मैं बता दूं आपको। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, जो भी आपका जो कंपनीज हैं जो कि इशू करती हैं सिक्योरिटीज, इश्यू सिक्योरिटीज, और वो कंपनी जो उसको परचेज करती है, परचेज, उनके बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो होता है वो मीडिएटर का काम करता है, मतलब दोनों के लिए ही हेल्पफुल है ये, इसको इश्यू करने के लिए सिक्योरिटीज, इसको प्रॉपर परचेजर दिलाने के लिए, परचेजर को सही सेलर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। जो भी कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है और जो कंपनीज उसे परचेस करती है उनके बीच में मीडिएटर के तौर पे ये काम करता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कैपिटल रेजिंग, कैपिटल रेज करने के लिए कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जनरली यूज होती है। और भी जैसे कि आपने डिफरेंट फंक्शंस आप देख रहे हो, जब भी मर्जर एंड एक्विजिशन होगा, बैंक को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, रिसर्च एंड एनालिसिस, कॉरपोरेट को फाइनेंस की जरूरत होगी, तो इन सारी चीजें, ये सारी चीजें जब जरूरत होंगी तो कोई भी कंपनी कहाँ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी, जिसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उसकी अच्छे से नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट हम आते हैं होलसेल बैंकिंग में। होलसेल आपको पता होगा होलसेल मार्केट क्या होती है, वो मार्केट जहां पे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट थोक में बनता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनता हो और लार्ज कस्टमर को प्रोवाइड करा जाता हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप नोटबुक ले लीजिए, अगर आप नोटबुक नॉर्मल दुकान से खरीदोगे जो कि रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए, रिटेलर उससे आप खरीदोगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल कितने की पड़ती है, ये नॉर्मल कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये आपको पड़ेगी मान लीजिए 20 रुपए की, और बट जो ये रिटेलर है ये जाता है होलसेल मार्केट में खरीदने, क्योंकि इसको भी तो मुनाफा करना है, ये जाएगा जब होलसेल मार्केट में तो ये यही 20 रुपए का जो रजिस्टर है इसको खरीद लेगा 7 रुपए में। रीजन बींग, क्योंकि ये थोक में खरीद रहा है, लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा है, ये खरीदेगा 1000 रजिस्टर तो जो होलसेलर होगा उसको डिस्काउंट दे देगा 13 रुपए का। ये एक एग्जाम्पल है, सेम है होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग भी जितनी भी बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है लार्ज कस्टमर बेस को, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मोर्टगेज ब्रोकर हो गया, लार्ज कॉरपोरेट क्लाइंट्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज, मिड साइज कंपनीज भी होंगी, रियल इस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स,
इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस बिजनेस, जो इंटरनेशनल में ट्रेड करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं। फिर आती है सर्विसेज ऑफर टू अदर बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये इतने इतना जो है ये कस्टमर बेस है होलसेल बैंकिंग का। अब बात करते हैं कि होलसेल बैंकिंग जो है जनरली किन चीजों पर आधारित है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये होलसेल बैंकिंग बोरोइंग एंड लेंडिंग प्रोवाइड करती है बिटवीन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स। मींस इसकी जो मार्केट वो क्या है, इंटर बैंक मार्केट, बैंक्स के बीच में भी ये मेजरली ये काम करती है होलसेल बैंकिंग, और इसमें एक्सट्रीमली लार्ज सम ऑफ मनी इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, 500 करोड़, 600 करोड़, इस टाइप के जो मनी का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अब जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है होलसेल बैंकिंग, ये आप देख लीजिए, कैश मैनेजमेंट, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, बड़े बड़े इक्विपमेंट जो यूज होते हैं बिजनेसेस में उनकी फाइनेंस करती है, लार्ज लोन्स, मर्चेंट बैंकिंग और ट्रस्ट सर्विसेज। नेक्स्ट हम बात करें यूनिवर्सल बैंक का क्या कंसेप्ट है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल बैंक जो है कंसेप्ट वो क्या है, एक तरीके से आप सुपरमार्केट जाते हो, ठीक है, जो आजकल आप जैसे मॉल में बिग बाजार जाते हो, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर जाते हो, वहां पे आपको जितनी भी आपकी घर की सामान है वो सारे एक जगह पे मिल जाते हैं। सेम इज विद द केस ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग है एक तरीके से, आप हमेशा ये डेफिनेशन एक छोटी सी याद रखिएगा, सुपर मार्केट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अंडर वन रूफ, ठीक है, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे अगर कोई बैंक, तो वो होता है यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है, अब जैसे कि जो नॉर्मल उसके बैंकिंग सर्विसेज है, एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट विड्रॉल करना, लेंडिंग करना, ये तो उसके नॉर्मल काम है किसी भी बैंक के। लेकिन साथ ही साथ सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड भी जो इशू करे, फॉरेन एक्सचेंज का भी काम जो देखे, मर्चेंट बैंकिंग भी देखे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज भी देखे, तो ऐसा बैंक जो होगा, इंश्योरेंस का बिजनेस में भी उसका हाथ हो, ठीक है, तो ऐसा जो भी बैंक होगा जो बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक जगह पे प्रोवाइड कर रहा हो, तो उस तरह के बैंक को कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। और भारत में जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग का, वो लाने वाली थी आर एच खान की कमेटी। याद रखिएगा, आर एच खान की कमेटी बनी थी जिसने यूनिवर्सल बैंक के कंसेप्ट को भारत में लाया, इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि आज के टाइम पे जित प्राइवेट बैंक है खास तौर पे, वो एक तरीके से सारी इस तरह की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनको हम कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल बैंक है। और सरकारी बैंक्स में अगर बात करें तो SBI है, जो कि इस तरह की सर्विसेज, काफी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैरा बैंकिंग। पैरा बैंकिंग क्या चीज है? पैरा बैंकिंग है वो एक्टिविटीज बैंकिंग की जो कि जो भी बैंक है उसकी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना कस्टमर को, और विड्रॉल की फैसिलिटी। ये बेसिक तीन फैसिलिटीज है जो बैंक प्रोवाइड करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज, अगर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बैंक, जैसे म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, अंडरराइटिंग बॉन्ड्स हो गया PSU कंपनी के, और इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, तो ये कहलाई जाएगा पैरा बैंकिंग। मतलब अलोंग साइड, पैरा का मीन्स होता है अलोंग साइड, साथ ही साथ। ठीक है, जो नॉर्मल बैंकिंग की सर्विसेज हैं उसके साथ ही साथ जो भी बैंकिंग की, जो भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बैंक, वो हो जाएंगी पैरा बैंकिंग। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि इंडिया के केस में खास तौर पे पैरा बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो कहता है जो भी एक्टिविटीज हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज हैं बैंक की, जो प्रोवाइड कर रहा है बैंक, ठीक है, तो जो भी पैरा बैंकिंग इंडिविजुअल एक्टिविटीज हैं उनकी परमिशन RBI से मिलना जरूरी है, तभी कोई भी बैंक पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज, पैरा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है,
जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड बिजनेस के परमिशन दे दी आरबीआई ने, लेकिन पोर्टफोलियो की नहीं दी, ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर सकता वो पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। तो जितनी भी पैरा बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो आरबीआई से उसको परमिशन लेना आवश्यक है। नेक्स्ट, नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग क्या चीज है? नैरो बैंकिंग है जो भी बैंक रिस्क फ्री एसेट्स में जब इन्वेस्टमेंट करे, सिर्फ रिस्क फ्री एसेट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सबसे रिस्क फ्री एसेट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो उस तरह की बैंकिंग होगी नैरो बैंकिंग। अब बात करते हैं कि भाई नैरो बैंकिंग से जो आप नाम से ही समझ रहे हो, नैरो मीन्स काफी नैरो, मतलब जिसकी थिंकिंग नैरो हो, जैसे हम कहते हैं कि लिमिटेड थिंकिंग हो, लिमिटेड बैंकिंग, ठीक है, मतलब जो भी उसकी नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज हैं वही करे, बाकी आरएनडी ना करे, ठीक है। तो रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका जो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न वो भी लिमिटेड होगा। मतलब आप अगर किसी नैरो बैंक के पास जाते हो, वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो जरूर एश्योर्ड रिटर्न होगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट काफी कम होगा, लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड रिटर्न, ठीक है। तो ये होती है नैरो बैंकिंग, जहां पे भी कोई रिस्क ना ले कोई भी बैंक। नेक्स्ट है ऑफशोर बैंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफशोर बैंकिंग का। ऑफशोर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके बाहर बिलोंग करते हो, ठीक है, उसके बाहर लोकेट करते हो, रिसाइड करते हो, और जनरली आप वहां पे तभी इन्वेस्टमेंट करोगे जब आपको कुछ फैसिलिटीज मिले, कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिले जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री के बैंक्स नहीं दे सकते, जैसे कि प्राइवेसी प्रोवाइड करे, लो टैक्स, और एक तरीके से टैक्स ही ना देना पड़े, उस तरह के कंट्रीज को बोलते हैं टैक्स हेवेंस, ठीक है। तो जैसे कि स्विट्जरलैंड आप जानते ही हो, एक इजी एक्सेस टू डिपॉजिट, आप अपने डिपॉजिट को इजीली एक्सेस कर पाओ बाहरी कंट्री होने के बावजूद भी, और आपको लोकल पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से प्रोटेक्शन मिलता रहे, मतलब कुछ भी हो जाए कंट्री में आपका पैसा, आपका बैंकिंग उससे सफर ना करे, तो वो है ऑफशोर बैंकिंग। जनरली जो लोग पैसा अपना छुपाना चाहते हैं वो ऑफशोर बैंकिंग का यूज करते हैं, काला धन को जनरली इस बैंकिंग के थ्रू ही छुपाया जाता है, ऑफशोर बैंकिंग के थ्रू। नेक्स्ट बात करें रिटेल बैंकिंग। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बैंक्स में, आईबीपीएस में भी एक बार दो बार क्वेश्चन में आ चुका है कि रिटेल बैंकिंग क्या चीज होती है। तो जनरली क्या होता है कि रिटेल बैंकिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, अगर आपको वो चीजें ही याद हो तो आप आइडिया लगा पाओगे कि रिटेल बैंकिंग है क्या। एक्चुअल में जो रिटेल बैंकिंग है वही वो बैंकिंग है जो कि डायरेक्ट डीलिंग करे आपके कस्टमर के साथ, बीच में कोई मीडिएटर ना हो। जैसे कि आप कार लोन प्रोवाइड करते हो तो कस्टमर का बैंक के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। टू व्हीलर लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, इसमें क्या होगा, कस्टमर जाएगा कहाँ जाएगा, बैंक जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, उसको कोई मीडिएटर नहीं ले जाएगा, यहाँ पे मीडिएटर काम नहीं करेगा कोई, कस्टमर को डायरेक्ट डीलिंग करनी पड़ेगी बैंक के साथ, और बैंक को डायरेक्ट डीलिंग करनी पड़ेगी कस्टमर के साथ। तो ये होती है रिटेल बैंकिंग। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग भी बोलते हैं, और ये एक्चुअल में क्या है, विजुअल फेस ऑफ बैंकिंग है पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने जो बैंक का फेस है वो रिटेल बैंकिंग का फेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब इसमें लोन प्रोडक्ट्स भी आते हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ओवरड्राफ्ट भी आता है, ई बैंकिंग, ई डिलीवरी चैनल्स की जो सर्विसेज पे हैं वो भी रिटेल बैंकिंग में आएंगी। तो जितनी भी आप सर्विसेज देखते हो एक बैंक की, सुनते हो एज ए कस्टमर, वो सारी हैं रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट आते हैं इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है। इस्लामिक बैंकिंग पे अगर हम आए तो इस्लामिक बैंकिंग का एक मेन कंसेप्ट है कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना, इट इज ए नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, और ये इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसे शारिया लॉ हम बोलते हैं, और इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करा गया है, इस तरह की बैंकिंग को। इसका कंसेप्ट कहता है, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है इस्लामिक बैंकिंग, जो कि कहती है प्रॉफिट एंड लॉस को हमको शेयर करना है कस्टमर के साथ, ठीक, और
किसी भी तरह का इंटरेस्ट हमें नहीं कलेक्ट करना है और ना पे करना है, ठीक है। जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसको मैं कस्टमर के साथ शेयर करूंगा, जो मेरा लॉस होगा उसको मैं कस्टमर के साथ शेयर करूंगा, लेकिन किसी भी तरह का मैं इंटरेस्ट नहीं कलेक्ट करूंगा और किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे भी नहीं करूंगा। ये कंसेप्ट है इस्लामिक बैंकिंग का। और इस्लामिक लॉ की अगर हम बात करें तो ये प्रोहिबिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी बैंक को किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को कलेक्ट करने से। जो भी वहां के बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं, वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग किस तरह की बैंकिंग है? यूनिट बैंकिंग का कंसेप्ट कहता है कि जनरली इट इज ए सिंगल ब्रांच स्मॉल बैंक, और ये लोकल कम्युनिटी में सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोकल कम्युनिटी में। अब आपको कुछ एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आएगा। यूएसए पहली कंट्री थी जहां पे यूनिट बैंकिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और भारत की अगर बात करें तो भारत में दो तरह के बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया आप कह सकते हैं कुछ जैसे कि डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर लेते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स मोस्टली विलेजेस कवर करते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज कवर करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्टिकुलर विलेज हो गया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो जो भी ऐसे बैंक हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्ट है उनकी बैंकिंग सर्विसेज, वो होती है यूनिट बैंक, यूनिट बैंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम शैडो बैंकिंग की। तो शैडो बैंकिंग कंसेप्ट ये कहता है कि भाई शैडो बैंक वो बैंक हैं जो कि नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीजरीज जो होती हैं वो जब सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती हैं ट्रेडिशनल कॉमर्शियल बैंक्स के इक्विवेलेंट, बट वो जो भी बैंकिंग का रेगुलेशन है, मतलब जो भी रेगुलेटर है बैंकिंग का, उसके आउटसाइड काम करती है। मतलब वो ये जो शैडो बैंकिंग है, आपके जो भी रेगुलेटर है उसके परव्यू में नहीं आता, मतलब आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज ये प्रॉपर बैंक्स नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीजरीज हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो और जो एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं शैडो बैंक्स वो है क्रेडिट इंटरमीजिएशन, लिक्विडिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के जो एसेट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। क्रेडिट इंटरमीशन का मतलब है कि जो भी आपका बोरोवर है, बोरोवर मींस कस्टमर, और जो भी आपका लेंडर है, लेंडर मींस बैंक, उनके बीच में इंटरमीजरी की तरह एक्ट करता है शैडो बैंकिंग, ठीक है। जो भी बोरोवर को सर्विसेज चाहिए, लोन लेना है, तो ये शैडो बैंक इसके साथ कॉन्टैक्ट करके प्रोवाइड करा देगा। तो ये क्या एक तरीके से छुपी हुई बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, इसलिए ये आरबीआई के परव्यू से बाहर रहती है, किसी भी बैंकिंग रेगुलेटर के परव्यू से बाहर रहती है। इसी की लाइन पे एक रहता है शेल बैंकिंग। शेल बैंक ये इस तरह के बैंक्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, देर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट दे आर समहाउ प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। इसलिए इस तरह की जो बैंकिंग है यूएसए में पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दी जा चुकी है। भारत में इस तरह के बैंक काफी कम है, शेल बैंक्स नहीं है, लेकिन यूएसए में सबसे ज्यादा थे इस तरह से, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। और जनरली ये जो शेल बैंकिंग होती है ये ही कारण बनती है मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री मनी को, ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए व्हाइट मनी में ये इस तरह के शेल बैंक्स का यूज होता है। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग समझ में आई होंगी, और मैं होप करता हूँ कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज 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 अपने कमेंट फीडबैक जरूर लिखिए, अगर आपको पसंद आता है हमारा लेक्चर तो जरूर लाइक करिए, और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं
वो हमसे सब्सक्राइब हो जाइए कि आगे आने वाले वीडियोस आप देख पाए, नोटिफाई हो पाए। थैंक्स।